So guys, you are welcome in uh, prelims crash course 2022 and up to this point we have discussed the so many things, central government, state government. And now I will discuss the constitutional bodies and I will only discuss the constitutional bodies which are in the news and most importantly the questions are asked from them. So in terms of constitutional bodies, I will discuss three bodies, election commission, CAG and finance commission. okay because these three things were in news several times because finance commission election commission always in the news kyunki election kahin na kahin to hota rehta hi hai na finance commission is always in the news because finance commission mein ek kya hai ki abhi 15 finance commission ki report aayi hai aur cag always in the news because of its auditing power और उसकी जो जो independence है उस पर भी क्या होता है क्वेश्चन खड़े होते रहते हैं तो ये तीन organisations I will discuss in constitutional bodies. And I will also discuss some other uh, constitutional bodies, some other non-constitutional bodies or statutory bodies as we go uh, uh, forward. So let's focus on Election Commission first. Okay, it is defined under Article 324. Defined under Article 324. So first fact you need to remember is that Election Commission is defined under Article 324. एंड इट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ठीक है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट आर अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट ठीक है और कितने टर्नियोअर के लिए होते हैं फाइव इिमेंबर दिस कि फाइव टेन्योर के लिए होंगे और अपॉइंट किसके द्वारा किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाएंगे रिमूवल समझते हैं रिमूवल उनको टेन्योर सिक्योरिटी रिमूवल के देखो दो केसेस हैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इसको रिमूव कर सकते हैं एज एज वी रिमूव दी जज बट अदर जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनके पास ये टेन्यो सिक्योरिटी नहीं है कि उनको ऐसी जज की तरह रिमूव करते हैं बल्कि उनको रिमूव कर सकते हैं जस्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट उन्हें रिमूव कर सकता है तो जो अदर चीफ जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जज की को जैसे हटाते हैं वैसे ही हटा पाएंगे बट अदर जो इलेक्शन कमिश्नर है उनको हटाने के लिए सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एडवाइस ही काफी है जो प्रेसिडेंट को वो देगा और प्रेसिडेंट उसे क्या कर देगा रिमूव कर देगा अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इसकी पावर तीन वर्ड्स में डिफाइन है आर्टिकल 324 में वो है डायरेक्शनल सुप्रिटेंडेंस ठीक है सुप्रिंटेंडेंस एंड कंट्रोल ठीक तो ये तीन चीजें करता है ठीक है इंप्लीमेंट करेगा 1951 आरपी एक्ट को और 1950 को ये इंप्लीमेंट करेगा रिमेंबर दिस थिंग आल्सो याद रखना इसका जो एक्सपेंडिचर है ये किसी भी जो एक्सपेंडिचर है एक्सपेंडिचर है इसका जो एक्सपेंडिचर है वो वोटेड होता है इस पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे मतलब क्या होता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही इसका खर्चा निकलता है लेकिन उसको पार्लियामेंट में वोट किया जा सकता है ये एक ड्रॉबैक भी है इसके साथ में ठीक है पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स भी हैं इसमें ये भी इसका क्या है क्रिटिसिज्म है पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स भी पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स भी हैं इसमें ये भी एक फैक्ट है जो आपको याद रखना होगा तो रिमूवल समझ लिया कंपोजिशन समझ लिया इसकी पावर्स समझ ली है ठीक है ये आरपी क्या होता है इलेक्ट्रो रोल को प्रिपेयर करेगा पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करेगा रिकनाइज करेगा बट री रजिस्टर नहीं कर सकता ये भी क्या है इसका एक ड्रॉबैक है ठीक है पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स ले सकते हैं ठीक है और इनका जो एक्सपेंडिचर है वो कंसोड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होता है सॉरी चार्ज नहीं होता है वोटेड होता है चार्ज तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इन सब का होता है कैब का होता है बट इसका क्या होता है वोटेड होता है याद रखे ना ये इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है याद रख लेना ठीक है सो तो इतना आपको क्या है इलेक्शन कमीशन में याद रखना है मैंने जो फैक्ट्स बताए वो उतना याद रख लीजिए मेरे हिसाब से क्वेश्चन बन जाएगा इस बार वो जो याद रख लीजिए कि इनिशियली रीजनल कमिश्नर्स की भी बात हुई है और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं इनके बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही बात हुई है और अर्लियर ये वन मेंबर्स इंस्टीट्यूशन uh, था देन ये मल्टीपल मेंबर हुआ देन अगेन वन मेंबर हुआ देन अगेन मल्टीपल मेंबर हुआ तो इस समय तीन लोग का टीम है ये दो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ऑफ इलेक्शन कमीशन ठीक है इट्स अ शॉर्ट कोर्स आई एम नॉट गिविंग ग्रेट डिटेल्स और मींस पर्सपेक्टिव से हमें याद नहीं रखना पर पर्सपेक्टिव से इतना फैक्ट्स क्या है काफी रहेगा नेक्स्ट फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आ गई है जो आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाई जाएगी हम सिर्फ इसका पॉलिटिकल मैंडेट देखते हैं अंडर आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन इज गिवन आर्टिकल टू एटी फाइनेंस कमीशन इज गिवेन ठीक है काम क्या है वर्टिकल डिवोल्यूशन और तो वर्टिकल डिवोल्यूशन और होरिजोनटल डिवोल्यूशन ठीक है दोनों ही क्या होता है ये टैक्सेस का करेगा ठीक है वर्टिकल में क्या होगा कि सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होगा टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा हॉरिजॉन्टल में क्या होगा कि जो स्टेट्स हैं उनको जो शेयर मिला है वो कैसे अलग अलग स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा ठीक है उसके बाद में ग्रांट्स को सजेस्ट करता है ग्रांट में ये टू सेवेंटी फाइव के अंदर जो ग्रांट्स हैं ये हमने पढ़ा था जब हम सेंट्रल स्टेटेशन कर रहे थे तब कि टू सेवेंटी फाइव के अंदर जो ग्रांट्स है, है उनको सजेस्ट करता है उसके बाद में टू एटी टू अंदर डिस्क्रिशनरी ग्रांट है जो फाइनेंस कमीशन के पर जो परव्यू है उससे बाहर है फाइनेंस कमीशन में फाइव पीपल होते हैं एक फाइनेंस कमिश्नर और फोर अदर कमिश्नर्स ठीक है अदर कमिश्नर ठीक है इनकी कोई क्वालिफिकेशन डिफाइन नहीं है नो क्वालिफिकेशन इज डिफाइन नो क्वालिफिकेशन इज डिफाइंड ठीक है फाइनेंस बिल है उसके अंदर दिया हुआ है कि कोई फाइनेंस में एमिनेंट होना चाहिए कोई इकोनॉमी में एमिनेंट होना चाहिए बट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पज ठीक है कोई क्वालिफिकेशन नहीं है फाइव मेंबर्स हैं अपॉइंटमेंट इनको प्रेसिडेंट करेगा अपॉइंटमेंट इनको प्रेसिडेंट करता है और ये री एलिजिबल भी हैं री एलिजिबल भी हैं किसके लिए फर्दर अपॉइंटमेंट्स के लिए अपॉइंटमेंट्स के लिए, के लिए भी है क्या है 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 ठीक ये या आपको याद रखना होगा ठीक है कोई क्वालिफिकेशन डिफाइन नहीं है एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू हियर इज दैट की वर्क हमने देख ही लिया है अपॉइंटमेंट री अपॉइंटमेंट भी हो सकती है फाइनेंस कमिश्नर को अपॉइंट प्रेसिडेंट करेगा रिपोर्ट्स ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है प्रेसिडेंट को याद रखना इलेक्शन कमीशन भी अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को ही सबमिट करता है तो याद रखना इलेक्शन कमीशन की भी रिपोर्ट सबमिट होती है किसको प्रेसिडेंट को ये पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यूज है इन ऑर्गेनाइजेशंस के नेक्स्ट आई विल डिस्कस द ओके, ठीक है की पोस्ट डिफाइन है आर्टिकल 148 में और इसके रिलेटेड आर्टिकल यही है 148 से 150 तक के आर्टिकल नहीं? इसमें इसकी पावर्स और ये सब डिफाइन है कैग को अपॉइंट प्रेसिडेंट करेगा एक रूल जो आपको रखना चाहिए याद वो ये थम रूल है कि इनको अपॉइंट करने के लिए कोई कमेटी नहीं होती है ठीक है प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है बॉडीज में होती है। और ये भी ठीक है ये याद रखना कि अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट कर सकता है और रिमूवल जो होगा इसको इसका जो रिमूवल होगा ये एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन होगा एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन होगा ठीक है इसका जो इसकी जो वर्किंग है इसका जो काम है वो काम क्या होगा सबसे पहले बात तो ये पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है ये पार्लियामेंट्री कमेटी है पब्लिक अकाउंट कमेटी ठीक है वो ये पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वो रिव्यू करती है गवर्नमेंट के अकाउंट्स को तो और उनकी रिपोर्ट्स को देखती है जो आप रिपोर्ट सबमिट करते हो ना गवर्नमेंट अपने अकाउंट्स की रिपोर्ट सबमिट करते हैं जो कैग की जो रिपोर्ट सबमिट होती है उनको ये कमेटी रिव्यू करती है तो उसका फ्रेंड फिलोसोफर है ये फ्रेंड भी है और फिलोसोफर भी है ठीक है ये गवर्नमेंट के अकाउंट को ऑडिट करता है स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स को भी और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट को भी ये ऑडिट करता है और जनरली ये उन सारे अकाउंट को ऑडिट करता है जो इसको बोले गए हैं जैसे कि अगर इसको पंचायती राज के लिए बोला गया है तो इन स्पेसिफिक सिचुएशन ये पंचायती राज के अकाउंट को भी क्या करेगा ऑडिट करेगा आप इस चीज को भी याद रखिए इंडिपेंडेंस इसकी बहुत हाई है बिकॉज एक तो रिमूवल इसका टफ है बिकॉज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन दूसन आप इसको क्या कर सकते हो रिमूव कर सकते हो दूसरा कोई भी पोस्ट रिटायरमेंट जॉब नहीं है इसमें ठीक है इसका जो एक्सपेंडिचर है वो क्या होगा चार्ज होता है वोटेड नहीं होता इसका जो एक्सपेंडिचर है वो चार्ज होता है वोटेड नहीं होता है आपको इतना भी क्या होना पड़ेगा याद रखना पड़ेगा ठीक है कोई भी ऑथोरिटी जो इसको मिली हुई है वो इसको क्या करता है ऑडिट करता है कोई रिक्वेस्ट करे तो इसको ये ऑडिट करता है बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट तो ये ऑडिट करेगा ही करेगा ठीक है ये हमने समझ लिया है कैक की अपनी इश्यूज़ हैं वो सब हमें देखने की जरूरत नहीं है ठीक है और इसका जो टेन्योर होगा वो सिक्स का होगा मैंने यहाँ पे क्या बता दिया था वन वन थिंग आई वांट टू अपोलोजाइज हियर दैट इज इज सिक्स इयर्स टेन्योर इज सिक्स सो गलत बोल दिया था तो इलेक्शन कमीशन का टेन्योर सिक्स ईयर है और टेन्योर फाइव ईयर ठीक है फाइनेंस का जो टेन्योर है ये ईयर है और इन कैग का टेन्योर भी कितना है सिक्स ईयर ही है ठीक है कैग का टेन्योर भी कितना है सिक्स ईयर ही है ठीक है सो दैट यू नीड टू रिमेंबर हियर ओके और इसको बिल्कुल उस तरह से ही हटा सकते हो जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है Can be removed as SC judge. ठीक है इसको बिल्कुल उस तरह से हटा सकते हो जैसे आप किस को हटा सकते हो एससी जज को हटा सकते हो तो six year, और सिक्स एज दोनों में से जो पहले हो जाए दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और अदर इनको जितने भी जो भी अकाउंट इनको ऑडिट करने को दिए जाएंगे ऑडिट करेगा पब्लिक अकाउंट कमेटी का ये जो है वो फ्रेंड फिलोसोफर है क्योंकि पब्लिक अकाउंट कमेटी कैक की रिपोर्ट को ही क्या करती है देखती है उसके बाद में प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है पोस्ट रिटायरमेंट जॉब नहीं है और इनका एक्सपेंडिचर है वो चार्ज होगा और इनको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही क्या कर सकते हैं हटा सकते हैं रिमेंबर दैट मच इन द कैक ठीक है सो दिस इज द वे वी वी नीड टू डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आई विल्सो डिस्कस फ्यू ऑफ द नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड इंपॉर्टेंटली आई विस्कस द सी बी आई एंड ओनली सी बी आई आई एंड एन आई ए सो आई विस्कस सी बी आई एंड एन आई एंड एनडीए में ऑल्सो आई विस्कस टू थ्री इंपॉर्टेंट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू इन ए शॉर्ट वाइल इलेक्शन कमीशन वाली पार्ट को आप थोड़ा सा ठीक कर लेना वहाँ पे मैंने फाइव ईयर बोल दिया था पहले बट इट्स ए सिक्स ईयर है ना आई एम अपोलोजाइज फॉर दिस ठीक है सो नाउ वी हैव डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज विच आर इंपॉर्टेंट ओके आई एम नॉट सेइंग कि आई हैव डिस्कस ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बट वी हैव डिस्कस इलेक्शन कमीशन फाइनेंस कमीशन एंड कैग और बहुत ही ब्रीफ में मैंने डिस्कस किया है जो कि एक क्रैश कोर्स की डिमांड भी है इतना समय नहीं दे सकते हम इनको क्योंकि हमारा कोर्स ऑलमोस्ट एंड की तरफ है नाउ आई विल डिस्कस द नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और स्टेटरी बॉडीज और दो ही बॉडी मेंूंगा तो दोनों न्यूज में रही है एनएचआरसी एंड सी बी आई ठीक है गाइज ये इतनी ज्यादा बॉडीज होती हैं और थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है फैक्चुअल है तो यूपीएससी जनरली करंट अफेयर में जो जो बॉडीज होती है उन्हीं पर ही उन्हीं के क्वेश्चन पर ही क्या करती है फोकस करती है तो सबसे तो 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 पहले मैं एन एच आर सी की बात करूंगा सिंपल सी बात है कि फुल फॉर्म क्या है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ओके okay? तो रिमेंबर दिस फर्स्ट फैक्ट की नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और ये 1993 में लॉन्च हुई और एन एक्ट ही था वो तो एन एक्ट के थ्रू 1993 में आई और इंडिया ने ह्यूमन राइट right पे जो यूएन का कन्वेंशन था वो साइन किया और एक लैसलेशन भी पास किया ठीक है तो फर्स्ट फैक्ट यू नीड टू रिमेंबर इट इज ए स्टेटरी बॉडी ठीक है क्योंकि एक्ट से बनी है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है ठीक है सेकेंड बात करते हैं कि एन के जो चेयरमैन है उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ठीक है अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट और इनका रिमूवल भी प्रेसिडेंट ही करता है ठीक है इनका रिमूवल भी प्रेसिडेंट ही करता है और जो इन पे एलिगेशन लगते हैं मिस बिहेवियर के उस पर पहले सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगा और उसके बाद में अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वो सही है तो सु... तो प्रेसिडेंट ही इनको रिमूव करेगा एन अपनी जो रिपोर्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करती है एक चीज़ एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कोई कोई कमेटी नहीं होती है अपॉइंट करने के लिए सिर्फ स्टरी बॉडीज में ही कमेटी होती है और सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करती हैं स्टेटरी बॉडी सारी अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करती है एक्सेप्ट सीबीसी तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को छोड़ के सभी अदर जो स्टरी बॉडीज हैं वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को सो चेयरमैन अपॉइंट प्रेसिडेंट ही इनको अपॉइंट करता है रिमूवल भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही है आफ्टर द इंक्वायरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट और चेयरमैन जब जो अपॉइंट होता है वो इस कंडीशन पे होता है कमेटी होती है दैट दैट कमेटी हैज प्राइम मिनिस्टर मेरे साथ बोलते जाइए प्राइम मिनिस्टर लीडर लोकसभा स्पीकर डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा

कोई भी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज इनका हेड बन सकता है एनी एस सी जज एनी एस सी जज कैन बिकम द पार्ट ऑफ सी एनी एस सी जज कैन बिकम द पार्ट ऑफ एन एच आर सी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है इस एक्ट के अंदर डिसेबिलिटी नेशनल कमीशन फॉर डिसेबिलिटी वहां के मेंबर्स को भी इंक्लूड किया गया ठीक है और, और नेशनल प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एनपीसीआर का के जो मेंबर हैं नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट नेशनल कमीशन एनसीपीसीआर एनसीपीसीआर के जो अ जस्टिस एक्ट के अंदर बनी है ये बॉडी तो एनसीपीसीआर के जो एक्ट है नहीं नहीं ज्युनाइल जस्टिस के अंदर uh, एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिए किस एक्ट के अंदर बनी है कारा है जो ज्युनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर बनी है ठीक है ठीक है एनसीपीसीआर होम मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए ये काम करती है ठीक है तो इसके अंदर इस एक्ट के अंदर दो तीन चीजें आई और वो दो तीन चीजें क्या क्या थी एक तो डिसेबिलिटी के जो चेयरमैन थे उनको भी ऐड किया गया और नेशनल जो चेयरमैन है वो नेशनल जो कमीशन है फॉर द प्रोटेक्शन फॉर द चाइल्ड राइट उनके भी मेंबर्स को क्या किया गया इंक्लूड किया गया ठीक है तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है जे जे एक्ट के अंदर नहीं है एनसीपीसीआर आई द प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट एक्ट के अंदर ही है ये इनका अपना एक्ट है तो ठीक है ये छह लोगों की कमेटी है स्टडी बॉडी है और जो मैंने बताया कि पहले क्या था कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो रिटायर थे उन्हीं को ही अपॉइंट कर सकते थे पर अभी सुप्रीम कोर्ट के किसी भी रिटायर एसडी जज को अपॉइंट कर सकते हैं और उनका जो टन्यूर होगा वो थ्री ईयर्स का होगा या फिर सेवेंटी ईयर्स जो भी इसमें अर्लियर है वो इनका क्या होगा टेनोर होगा तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कमी बॉडी है ठीक है और चेयरमैन है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इस कमेटी के आधार पे पीएम लोकसभा स्पीकर डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा लीडर ऑफ अपोजिशन बोथ द हाउस और यूनियन होम मिनिस्टर ठीक है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट से ही ये बनी हुई है ऐसी जज होंगे कोई भी रिटायर ऐसी जज हो सकते हैं वो इनके चेयरमैन हो सकते हैं तीन साल का टेन्योर होगा और सत्तर साल की एज तक जो भी तीन साल और सत्तर साल में जो भी पहले हो ठीक है और रिमूवल भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही होगा एन के चेयरमैन का ये चीज भी आप याद रखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ अगर मैं इसकी कुछ पावर्स की बात करने की कोशिश करूं अगर मैं कुछ पावर की बात करने की कोशिश करूं तो एन के पास सिविल कोर्ट के बराबर पावर है सिविल कोर्ट के बराबर पावर है ठीक है और कोई भी ह्यूमन राइट के केसेस में ये प्रॉप कर सकती है ये गवर्नमेंट को बोल सकती है सेकंड चीज कि ये कंपनसेशन नहीं दे सकती इट कैन नॉट गिव एनी कंपनसेशन। ऑल दो के लिए गवर्नमेंट को बोल सकती है बट ये खुद कंपनसेशन नहीं दे सकती ये खुद किसी विक्टिम को सजा नहीं सुना सकती सॉरी ये किसी को सजा नहीं, नहीं दे सकती ये आप एनएचआरसी के बारे में दो इम्पोर्टेंट बातें याद रखिए और ये और ये एक सिविल कोर्ट की तरह काम कर सकती है तो इतना याद रखेंगे एंड दैट इज एन ठीक है आई एम श्योर कि मैं वो सारी चीजें तो नहीं बता पा रहा हूँ जो चीजें बुक्स में गिवन है बट मैं उतनी चीजें जरूर डिस्कस कर रहा हूँ जो अगर थोड़ा उतना याद भी रहेगा तो आप एलिमिनेट करके आंसर को निकाल सकते हैं बिकॉज दिस आर द फैक्चुअल थिंग्स एंड आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कवर ईच एंड एवरी फैक्चुअल थिंग नाउ इट्स इंपॉर्टेंट लाइक सीबीआई तो सीबीआई को थोड़ा सा देख लेते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई एक स्टटरी बॉडी नहीं है तो ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही ये स्टरी बॉडी है ठीक है ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही ये स्टेटरी बॉडी है ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है ठीक है और ये संथानम रिकमेंडेशन पे बनी थी पर इसको और इसके साथ साथ एक और बॉडी बनी थी सीबीसी पर उसको दो हजार तीन में स्टेटरी स्टेटस दे दिया गया लेकिन सीबीआई को नहीं दिया गया और सीबीआई जो पावर है वो दिल्ली दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट जो एक्ट है 1945 का वहां से ये दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट जो एक्ट है स्पेशल पावर जो एक्ट है उसी से क्या लेती है ये अपनी पावर को ड्रो करता है. ये अपनी अपनी पावर पावर को को करता है क्या करता है ड्रो करता है एंड द एक्ट नेम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट तो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1945 फोर्टी फाइव वहां से ये क्या करता है अपनी पावर्स को ड्रॉ करता है 45 46 यहाँ पे भी कर लीजिए 45, 46 वहाँ से ये क्या करता है अपनी पावर को ड्रो करता है तो इट इज़ नॉट एन स्टेटरी बॉडी नॉट एन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इट इज़ द एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड ये दिल्ली दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से अपनी पावर को ड्रो करता है याद रखना इस और एक याद रखना कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है जिसकी हम पिछले साइड में बात कर रहे थे ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को ठीक है याद रखना सी ओनली सीवीसी है जो अपनी जो तो रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट को सबमिट करती है बट एनएचआरसी और अदर स्टेटरी बॉडीज अपनी रिपोर्ट है वो वो सब सबमिट करती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को आगे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ अपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनकी एक कमेटी बनती है इन तीन लोगों की क्या होगी कमेटी होगी कमेटी ऑफ दीज थ्री पीपल

टूर्स का टेन्यू सिक्योरिटी है जो डायरेक्टर हैं सीबीआई के उनको ठीक है वो भी ट्रांसफर से तो टू ईयर का सिक्योरिटी होगा उनका इतना इजी ट्रांसफर नहीं हो सकता है सीबीआई का एक तो क्रिटिज्म यही है कि भाई ये सेंटर का क्या है एक कठपुतली है ठीक है सेंटर की बात मानती है स्टेट में प्रॉप करने के लिए इसे दो तरह के कंसेंट लेने पड़ सकते हैं एक है जनरल कंसर्ट और एक है स्पेसिफिक कंसेंट स्पेसिफिक कंसेंट ठीक है तो जनरल कंसेंट में सिंपल है कि अगर मान लीजिए किसी स्टेट ने जनरल कंसेंट दे दिया तो स्टेट के अंदर केस शुरू करने के लिए सीबीआई विल नॉट टेक द परमिशन अगेन एंड अगेन और केस वाइज बट इन स्पेसिफिक कंसेंट सीबीआई को जनरल कंसर्न नहीं मिला है वो केस बाय केस सेंट्रल सॉरी स्टेट गवर्नमेंट से पूछेगी अगर उसे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर केसेस को देखना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के केसेस तो ये अपने आप देख ही सकती है उसमें इसके ऊपर कोई इशू नहीं है इसके ये बहुत वेराइटी ऑफ केसेस देख सकती है याद रखना अगर अगर क्राइम अगर ये करप्शन रिलेटेड केस है तो तो इसे सी की डायरेक्शन को मानना मैंडेटरी होगा सी सी की डायरेक्शन को मानना मैंडेटरी होगा इफ इट इज द केस ऑफ करप्शन और लोकपाल के डायरेक्शन को भी मानना मैंडेटरी होगा अगर लोकपाल इन्वॉल्व है तो ठीक है लोकपाल है 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 तो मानना होगा ये ये करप्शन के के केसेस 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 भी 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 देखता है, भी देखता है, भी देखता मर्डर क्रिमिनल ठीक है थीके? और अदर केसेस जो इसको मिले हुए हैं सीरियस केसेस हैं ये सब भी ये चीजों को देखता है कोई हाई प्रोफाइल केस है उसको भी ये सब देखता है ठीक है तो ये सब सीबीआई के बारे में हो गया है सीबीआई की अपनी कोई Uh, company, वो पुलिस नहीं है कोई अपनी पावर नहीं है ये तो जो नॉर्मल पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उन, उन से ही ऑफिसर्स को ये उठाते हैं ठीक है सो दिस इज़ अबाउट द सो वी हैव डन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हमने पांच चीजें डिस्कस की हैं ठीक है हमने डिस्कस किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फाइनेंस कमीशन कैक एन एच आर सी एंड सी बी आई ठीक है मेरे हिसाब से अगर क्वेश्चन बनेगा तो इन पांच के ऊपर ही बनेगा बाकी क्वेश्चन तो कहीं से ही बन सकता है बट देर इज वेरी वेरी करंट अफेयर है, आपने से लिया है तो आप थोड़ा बहुत पोर्शन वहां से देखिए नाउ आई द अदर थिंग्स इन दिस कोर्स ठीक है नाउ आई डिस्कस द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड लोकल अर्बन बॉडीज इन द Next lecture.